हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे मैंने कल के डेट में मैंने बताया था कि यहां पे अपर सर्किट लग सकता है और यहां पे आखिरकार आज के डेट में अपर सर्किट लगता हुआ दिख गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक तरह से पहले ही बता चुका था, एक तरह से देखिए तो एक दिन पहले पहले मैंने वीडियोस रिलीज किया था और यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा शेयर होल्डर के लिए बड़ी खुशखबरी, आज लगेगा अपर सर्किट। लेकिन उस दिन तो नहीं लग पाया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक यूजर्स ने यहाँ पे कमेंट भी किया था कि यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा। ठीक है, आपने गलत बोला। एक तरह से यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैं जब बोला हूँ उसी टाइम पर लग जाए, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़ तो अच्छा था। यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है, किसी चीज़ को मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके चलती है और उसी एक्सपेक्टेशन पे मैं बात करता हूँ, ना कि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि लगेगा आज अपर सर्किट तो आज लग जाएगा, कल लगेगा लोअर सर्किट तो कल लग जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड होता है कि एक से दो दिन में कुछ कुछ भी चीज़ें हो सकती है, अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आज की डेट में अपर सर्किट। वन डेज पहले आप देख सकते हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाया, इसमें मैं पूरी डिटेल्स बताया हूँ और क्यों लगेगा अपर सर्किट वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया था। लेकिन यहाँ पे कल मार्केट में एक तरह से बिकवाली ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और आज के डेट में अपर सर्किट लगने का मेन रीज़न यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आज बिकवाली है जो यहाँ पे खत्म हुआ, मार्केट में ऑल टाइम हाई पे है, आज खरीदारी अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से इसमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रहा है और यहाँ आज अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कल ये स्टॉक बेसिकली 1853 रुपये तक करीब करीब आज के मॉर्निंग में भी देखने को मिल रहा था और वहाँ से सीधा एक देखो तो यहाँ पे 1969 रुपये पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक तरह से स्टॉक काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, यानी जिनको प्रॉफिट कमाना होगा वो कमा लिए होंगे, ले लिए होंगे। जिन्होंने 1800-1850 पे लिया होगा उनको तो अच्छी खासी यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों में से किन्होंने यहाँ पे 1850 रुपये के करीब आपने बाइंग किया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर यहाँ पे अपर सर्किट क्यों लगा वो भी मैंने आपको बताया था कि रिसीव्ड ऑर्डर येलो एयरपोर्ट ट्रंक की EPC वर्क 1.09 मेगावाट DC फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला था वन डे पहले। और यहाँ पे वन डे पहले यहाँ पे ऑर्डर मिला और ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप देखते होंगे कभी भी जैसे किसी कंपनी का Q4 का क्वार्टर का रिजल्ट आया, बहुत धमाकेदार रिजल्ट्स है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगले दिन ही अपर सर्किट लगेगा चाहे उसमें तेज़ी देखने को मिलेगा, दो तीन दिनों के बाद भी उसमें तेज़ी धीरे धीरे करके बनता है। जिस तरह से मदरसन के अंदर आपको देखने को मिला कि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था लेकिन अगले दिन वो स्टॉक नीचे टूट चुका था और उसके बाद फिर अगले मतलब कुछ टाइम तक वो नीचे ही रहा, लेकिन उसके बाद उस स्टॉक में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला और यहाँ पे आज के डेट में करीब करीब 200 रुपये के करीब पहुँचने वाला स्टॉक जो है, यहाँ पे आपको 136-140 पे मिल रहा था उस टाइम पे और आज के डेट में उसका देखोगे तो 200 रुपये पहुँचने वाला। तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से ये अब जो स्टॉक है जो करीब करीब मुझे लगता है कि 2200 या 2300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू अभी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं अगर ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कंपनी को फिर से नया कोई ऑर्डर आ जाता है विद 10 डेज के अंदर, तब वहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों।